एक और हिंदुवादी नेता को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी। न सिर्फ नेता को बल्कि पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी जो है वो दी गई है। जी हाँ, ललितपुर में हिंदुवादी नेता बसंत राज को ये धमकी मिली है, और धमकी जो है वो ऐसे ही नहीं चस्पा की गई है। जी हाँ, हिंदुवादी नेता को मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई। धमकी भरा पर्चा जो है बकायदा उनके घर के दरवाजे पर चिपकाया गया, और उसमें ये धमकी लिखी गई थी, ये वार्निंग थी उनके लिए। मामला ललितपुर का बताया जा रहा है, जहां हिंदुवादी नेता बसंत राज गुप्ता के घर के दरवाजे पर ये धमकी भरा पर्चा जो है वो चिपका हुआ मिला। इस पर्चे में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो जैसे ही ये धमकी भरा पत्र जो है बसंत राज गुप्ता ने देखा, वो न सिर्फ हैरान हो गए, इसकी सूचना तुरंत ही उनके द्वारा पुलिस को दी गई है। पिछले दिनों बता दें आपको, याद होगा आपको, रणजीत बच्चन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं हत्याकांड हुए, और इसकी गुत्थी सुलझी थी। हालांकि उनकी पत्नी इस मामले में फंसी और उनका नाम सामने आया, लेकिन उसके पहले कमलेश तिवारी भी, आपको याद होगा कि कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद भी इसी तरह से जो शक की सुई है वो घूमती रही थी, और पुलिस ने बहुत छानबीन भी की थी। आखिरकार हिंदुवादी नेताओं को टारगेट कौन कर रहा है, भी एक सवाल उठता है। और अब यहां बसंत राज के घर के दरवाजे पर यह पर्चा किसने चिपकाया, अब फिलहाल पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। जब मैं घर से निकला अपने कुत्ते को घुमाने के लिए, जब कुत्ते को घुमा करके वापस घर पर आया, तो मैंने घर पर एक पर्चा चिपका हुआ देखा, जिस पर मेरे लिए, मेरी धर्मपत्नी और पुत्री के लिए अशब्द लिखे हुए थे। मेरे लिए लिखा गया था कि जैसे कमलेश तिवारी को गला काट करके मारा गया, ऐसा आपका भी जो है वध किया जाएगा, और आपकी पुत्री और धर्मपत्नी 72 में से 2 हूरे हमें दे दी गई हैं, आपके साथ में इस्लाम के शरिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, इसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। जो 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 जिहादी मानसिकता के जो तत्व होते हैं, जो फतवा जारी करते हैं, तो एक हिसाब से इनके लिए फतवा जारी किया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कमलेश तिवारी की तरह आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो हम इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, और शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और ये जो खुलेआम उसमें धमकी दी गई है कि परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा हो, मांगे क्या है, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ऐसे तत्वों को पकड़कर इन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। पत्र चिपकाया गया है किसी शरारती तत्व के द्वारा, इस पर हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं, और जो भी इसमें संलिप्त होगा, जो भी इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग बहुत जल्द अनर्थ करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। ये किसी की शरारत लग रही है, हम लोग उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं।